राइजन 3250U या इंटेल का i3 10th जनरेशन जो कि हो गया 105G1 करके जो रहता है उसका कंपैरिजन अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी इसका कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए लैपटॉप जिसमें ये CPUs लगे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा आपके नीड्स के हिसाब से। तो राइजन 3250U और ये दोनों i3 10th जनरेशन दोनों ही 2 कोर 4 थ्रेड वाले CPUs है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड GPU डेफिनेटली मिल जाता है। दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ कैश मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ये सब नहीं पता क्या होता है और मैं सीधे से सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि इन दोनों में से डायरेक्टली बेटर यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, तो वो होगा यहाँ पे हमारा जो इंटेल का i3 10th जनरेशन है वो विन कर जाता है, राइजन 3250U को बीट कर देता है। अब वो इसलिए क्योंकि जो इंटेल की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में काफ़ी अच्छी है, और ये जो इंटेल का है ये आपको फोटोशॉप वर्क हो गया, एडिटिंग वर्क हो गया, थोड़ी सी लाइट एडिटिंग, हैवी एडिटिंग नहीं क्योंकि दोनों ही एंट्री लेवल CPUs है, तो आप इसमें फोटोशॉप चला सकते हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो गए, ब्राउजिंग हो गया, यूट्यूब आराम से चल जाएगा, प्लस इसमें आप फोटोशॉप जैसा बोला मैंने एडिटिंग थोड़ी कर सकते हो थोड़ी बहुत। गेमिंग के लिए ये दोनों ही CPUs नहीं है तो इन दोनों में गेम खेलने की ट्राई मत करना। एक और बात यह है कि जो इंटेल है वो 10 नैनोमीटर पर बना है और जो AMD का राइजन है 3250 वो एक्चुअली अभी भी पुराने ही जनरेशन का है जो कि 14 नैनोमीटर पर आता है। तो जो AMD पावर्ड लैपटॉप जो कि एंट्री लेवल हो गए उसमें अभी यहाँ पे इंटेल ही यहाँ पे विन कर रहा है, क्योंकि जो AMD लैपटॉप्स जो अभी मार्केट में आपको दिख रहे हैं जो भी 3000 वाले हैं वो सब पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं, अभी वो उनमें से कोई भी लेटेस्ट नहीं है। कुछ लेटेस्ट है जैसा कि 3250 हो गया रिसेंटली आया है, लेकिन वो ही पुराने जनरेशन पे बेस्ड है, पुराने ही आर्किटेक्चर पे सब कुछ यहाँ पे पुराना ही है, बस थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की गई है जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इंटेल के CPUs है जो लैपटॉप में आ रहे हैं वो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसमें आप अपने मोस्ट ऑफ दी सभी काम कर सकते हो और इंटेल यहाँ पे आराम से बीट कर देता है AMD राइजन 3250U को बहुत बड़े मार्जिन से सिंगल कोर में और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी। तो इन दोनों में से जो इंटेल का है i3 10th जनरेशन वो यहाँ पे डेफिनेटली वर्थ इट है लेना, उसको आप ले सकते हो, काफी अच्छा है। जो इसका मेमोरी है वो यहाँ पे जो इंटेल में आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू राइजन 3250U जिसमें अभी भी सिर्फ आपको 2400 MHz की, लेकिन जो हमारा इंटेल है वो यहाँ पे सपोर्ट तो करता है अप टू 3733 MHz रैम को इंटेल का i3 10th जनरेशन, लेकिन आपको यूजुअली 3200 MHz या 2933 MHz वाली रैम आपको यूजुअली लैपटॉप में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से भी जो इंटेल है वो यहाँ पे राइजन को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है लैपटॉप्स में, जो कि एंट्री लेवल अच्छे खासे लैपटॉप्स हो गए उसमें, और बाकी दोनों ही 2 कोर 4 थ्रेड वाले CPUs है, लेकिन उसमें भी आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इंटेल ही देने वाला है। दोनों ही गेमिंग के लिए नहीं बने तो इन दोनों में ही गेमिंग करने का या गेमिंग एक्सपेक्टेशन रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो राइजन 3500U के साथ जा सकते हो, हालांकि वो भी मतलब है 3000 सीरीज का है, लेकिन उसमें आपको जो इनबिल्ट जो IGPU है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, प्लस वो 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU है जो कि आपको अगेन बेटर परफॉर्मेंस तो देगा ही, लेकिन CPU अगर जो टास्क हो गए उसमें तो ऑफकोर्स आपको जो i5 है वो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे CPU में, लेकिन जो GPU है और जो नॉर्मल गेमिंग टास्क है उसमें आपको राइजन 3500U यहाँ पे बेटर रहेगा, और यूजुअली वो 33000 वाले लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाता है 3500U वाला। तो अगर आपको वो लैपटॉप लेना है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लैपटॉप का लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो को शेयर करना जिनको भी लैपटॉप्स लेना है और एंट्री लेवल लैपटॉप्स लेना, ताकि उनको भी पता लगे कौन सा यहाँ पे बेटर रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना है और PC रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को कर लेना सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।